दोस्तों, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने या सुनने से क्या फायदा होता है। लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हो या सुनते हो, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमें दूसरों कहानियों से ये पता चलता है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो और लोगों ने की है और आपको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे जिनमें आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी के गुल्लक लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफी देर तक वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पर काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत थी। फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और अपने मिट्टी के गुल्लक को उसी काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहाँ पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटे, आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहाँ खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसके तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उसे कहा कि बेटी, चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। बच्ची को लगा कि वह उसे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी, क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? उसे बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर पे बहुत तेज दर्द हुआ, मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने मम्मी पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे का इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए, उतने पैसे मेरे पास नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तो मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसा नहीं भी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे, वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूँ। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। वो जो आदमी वहाँ खड़ा था, वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपया में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक हो करके घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो, यह चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा। तब उन्होंने अपने बेटी की तरफ देख कर कहा, चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सबक है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। हमारी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।